क्लास 9 वाले स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने नंबर सिस्टम पहला चैप्टर का 1.1 जो है मतलब कि एंड किया था। अब देखिए थोड़ा सा उसके आगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। पढ़ना है आप लोग को रेशनल नंबर, तो आप लोग पहले जान चुके हैं। अब इरेशनल नंबर के बारे में जानिए। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन, जिसको लिखा नहीं जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q ग्रुप में कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल में रूट 5, रूट 11, रूट 3, जितना भी रूट वाला नंबर है ना, रूट वाला नंबर कौन, जिसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रूट 4 का हम लोग निकाल सकते, वो नहीं कि उसका रूट 4 का 2 निकल जाएगा, रूट 9 का 3 निकल जाएगा। मैंने जिसका रूट निकल जाता है वो रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। लेकिन जिसका रूट ना निकले पॉइंट में आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जो लिखा है ना, ऑल दोज नंबर विच आर इन अंडर रूट एंड देयर रूट वैल्यू डज नॉट कम इन रेशनल नंबर, उनका रूट वैल्यू जो है रेशनल नंबर में नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। अब देखिए मान लीजिए आप लोग निकालिएगा रूट, उसका तो निकलता नहीं है, पॉइंट आता रहेगा आता रहता है। जैसे देखिए इसका फॉर्म कैसे होगा, 0.x, हमारे x कोई नंबर दो डिजिट है, मैंने 0.54 है, 54 ऐसे करके लिखते हैं। देखिए 0.xy, xyy, xyyy, xyyy, मतलब एक डिजिट को ऐसा ही रखना है और दूसरे वाले को बढ़ाते जाना है। ये क्या है, इरेशनल नंबर का फॉर्म है। जैसे मान लीजिए आपका भागा दिए, अब भागा दिए आपका 0.54 समथिंग आ रहा है, दो डिजिट को आप लीजिए और 0.545445444 इस तरह से करके आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक ना। या 0.545545544 मतलब ए को इसी तरह से रखना है और दूसरे वाले को बढ़ाते जा रहा है। ये जो है आप लोग का इरेशनल नंबर का रूप है, ये खत्म नहीं होता है कभी। अब देखिए टाइप्स ऑफ डेसिमल, डेसिमल तो आप लोग जानते ही होंगे, जो बटा में अगर कोई नंबर लिखेगा उसको डिवाइड दीजिएगा तो डेसिमल यूज हो जाता है। तो देखिए द डेसिमल, इसका दो प्रकार है डेसिमल्स का, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पहला बताएं तो द डेसिमल एक्सप्रेशन, वैसा डेसिमल एक्सप्रेशन इन विच इसमें रिमाइंडर बिकम्स जीरो, जिसमें कि भागा देने पर रिमाइंडर जो नीचे वाला आता है वो क्या हो जाता है, जीरो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। देखिए एग्जांपल, जैसे देखिए 7/8 है, तो ये जो है क्या है ना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे पता लगा था, भागा दिए 8 से 7 में, देखिए 0 पॉइंट कटा कटा आर जहाँ कट गया पूरी तरह से, यानी जीरो आ गया, यानी कि जब आपका रिमाइंडर जो है जीरो आएगा तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। देखिए लिखे हुए नोट, आप बिना भागा दिए भी जो है आप लोग जान सकते हैं कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। देखिए इन फ्रैक्शन, जैसे लाइक पी बटा क्यू कोई फ्रैक्शन है, इफ क्यू इज मल्टीपल, अगर जो नीचे वाला जो है अगर 2 या 5 का मल्टीपल हो, या तो 2 या तो 5 या दोनों का हो, बल और दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, केवल 2 और 5 का होना चाहिए, तो वो जो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे 11/5 नीचे है टर्मिनेटिंग, 3/8 है, 8 जो है 2 × 2 × 2 करेंगे, 2 का पावर 3 मतलब 2 का केवल मल्टीपल है, 7/40 है तो 2 × 2 × 2 × 5 यानी 40 वाला करेंगे, ये 2 और 5 का मल्टीपल है, मतलब कि जब नीचे वाला 2 और 5 का मल्टीपल रहेगा, या अकेले भी हो, अगर अकेले 5 का भी हो या अकेले 2 का भी हो, तो उस डेसिमल को क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो देखिए ऊपर का ही उल्टा है, द डेसिमल एक्सप्रेशन इन विच रिमाइंडर नेवर कम्स जीरो, जिसमें कि रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जाम्पल 7/3 है, 3 से 7 भागा दे, देखिए यहाँ पर 2.33 आते जाएगा, कट में नहीं करेगा, 1 हमेशा बचते रहेगा। अब देखिए हम थोड़ा सा आप लोग ये जान भी सकते हैं बिना भागा दिए हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो देखिए जब भी क्यू में, वो नीचे वाला में, इसमें अगर 2 और 5 तो आएगा तो ठीक है, वो टर्मिनेटिंग हो, लेकिन 2 और 5 मान लीजिए उसमें कहीं 3 आ जाए, मान लीजिए कहीं अगर हम लिखे, मान लीजिए हम लिख दिए 7/30 सपोज दे, इसको हम 7/30 कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 2 × 5 5×10 36। तो देखिए सब 2 आया है 5 आया है, लेकिन इसके पहले वो 3 भी आ गया है। तो देखिए जब भी 2 और 5 का अकेला होता है टर्मिनेटिंग होगा, अगर उसमें 3 आ जाए 7 आ जाए 11 आ जाए कोई दूसरा नंबर आ जाए 13 आ जाए, तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आगे वाले वीडियो में और आप लोगों को क्वेश्चन बना के दिखाएंगे और नंबर लाइन पे कैसे नंबर को व्यक्त किया जाता है, आगे वाले वीडियो में आप लोग को बताएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता भी है।